नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। अभी हम बिहार पुलिस के लिए आपका जो एग्ज़ाम 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए 25 से 30 VVI क्वेश्चन लेकर आए हैं मेरे भाई। 8 से 10 मिनट बने रहिएगा और ये 25 से 30 आपको VVI क्वेश्चन नहीं मिलेगा। यहाँ से आपको 50 से 60 लगभग VVI क्वेश्चन क्लियर होगा, क्योंकि इसका जो भी करीबी का क्वेश्चन होगा वो सभी क्लियर कर देंगे। और VVI क्वेश्चन देखना मत भूलिएगा। अभी लगातार आपको 10 बोले हैं 1 अक्टूबर तक, 1 अक्टूबर से पहले लगातार 10 VVI क्वेश्चन आपका क्लास लेने जा रहे हैं, उसे अनिवार्य रूप से देख लीजिएगा। और आपको एक बहुत बड़ा मैराथन का क्लास देने जा रहे हैं मैथ का, मेरे भाई उस मैथ के क्लास को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि 10 जो प्रश्न आपका मैथ का पूछा जाएगा 7 से 8 प्रश्न वहां से टकराने वाला है, क्योंकि एक ही वीडियो में आपका जितना भी मैथ का फॉर्मूला है सभी फॉर्मूला को लाकर समझा देने वाले हैं। ठीक, चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले वीडियो का लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है। लिखा है कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। अगर पूछे कि ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बोलिएगा फिल्म के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। क्या है ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बोलिएगा फिल्म के क्षेत्र में। अगला है कि सार्क की स्थापना कब होती है। सार्क की आपकी स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को, कब 1985 ईस्वी को आपका सार्क की स्थापना की जाती है। ठीक, अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है। तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध आपका खेल के क्षेत्र से है। देखिए क्वेश्चन क्या, याद रखिएगा ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दी जाती है, सार्क की स्थापना 7 या 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को की जाती है, सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू नेपाल में स्थित है, सार्क का पहला सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में होता है, सार्क के में 8 देश है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका। ठीक, यानी जो भी भारत के 8 पड़ोसी देश है, भूटान, ये सार्क का सदस्य है। अगला है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। ये पराक्रम दिवस आपका सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है और सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन आपका 23 जनवरी है। ठीक, 23 जनवरी के दिन हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है कि मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रथम भारतीय जिसे नोबेल पुरस्कार मिली वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर, गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। 23 अगस्त, कब 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसी साल आपका 23 अगस्त को चंद्रयान थ्री का सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हुआ 6:05 पर, इसीलिए कि हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने लगे। अगला है कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है। तो मीठी क्रांति का संबंध आपका शहद उत्पादन से है। क्वेश्चन पूछे कि मीठी क्रांति का संबंध किससे है तो बोलिएगा शहद उत्पादन से। अगला है कि भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर गठित आपका पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, यानी भाषा के आधार पर भी राज्यों का गठन होना चालू हो गया, क्योंकि साउथ में इसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यानी आंदोलन होने लगा, तो तमिलनाडु से छाट कर आपको आंध्र प्रदेश अलग राज्य बनाया गया। अगला है कि अनुच्छेद 15 का संबंध किससे है। तो आपका धर्म, जाति, नस्ल, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव पर निषेध यानी प्रतिबंध लगाया गया, यही अनुच्छेद आपका 15 बोलता है। अनुच्छेद 17 का संबंध छुआछूत है, किसी से छुआछूत से नफरत नहीं करना है। अगला है कि भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें कहाँ पर है। तो बोलिएगा यूपी में आपका 31 है। राज्यसभा में बिहार की कितनी सीट है, तो बिहार में राज्यसभा की 16 सीट है, लोकसभा की 40 सीट है, विधानसभा की 243 सीट है, विधान परिषद का आपका
75 सीट है। ये इजी क्वेश्चन मेरे भाई अच्छे ढंग से याद रखिएगा। बोले ना 25-30 क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ से 50-60 या 70 भी क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। समझ गए। भारत में सर्वाधिक राज्यसभा की सीटें यूपी में है, लोकसभा का भी पूछे तो आपका यूपी में है। अगर बिहार का बात करें तो बता चुके, लोकसभा 40, राज्यसभा 16, विधानसभा 243, विधान परिषद का 75 है। अगर पूछे कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है विधानसभा में, तो हमेशा नहीं आरजेडी मारिएगा, क्योंकि वर्तमान में आपका आरजेडी है। अगला है, शिक्षा कौन सा विषय का सूची है? शिक्षा आपका समवर्ती सूची है। तीन ठो सूची होता है, एक होता है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है समवर्ती सूची। संघ सूची का अर्थ हो गया जिस पर केवल केंद्र सरकार का अधिकार हो वो संघ सूची, जिस पर राज्य सरकार का अधिकार हो उसे राज्य सूची, जिस पर दोनों का अधिकार हो उसे समवर्ती सूची बोला जाता है। शिक्षा आपका समवर्ती सूची का विषय है, जनगणना आपका संघ सूची का विषय है। अगर वही बोले कि पुलिस प्रशासनिक जितना भी कार्य है ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला है कि यहाँ से एक प्रश्न हमेशा देखते हैं, पूछता है कि कौन सा पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। बोल रहा है जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा नीतीश जी का तिरछाप। ठीक। अगर पूछे राजद का चुनाव चिन्ह क्या है आरजेडी का, तो बोलिएगा लालटेन छाप। वही पूछे लोग मतलब चिराग पासवान के लोजपा जो है लोजपा रामविलास पासवान का चुनाव चिन्ह क्या है, तो बोलिएगा हेलीकॉप्टर छाप। अगर वही पूछे भाजपा का तो कमल का फूल, अगर वही पूछे कांग्रेस का तो पंजा। इस चीज़ को वही पूछे माझी जी का तो बोलिएगा जीतनराम माझी का, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का तो बोलिएगा हम। अगला है प्राथमिक घाटा बराबर क्या होता है। राजकोषीय घाटा माइनस सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को ही प्राथमिक घाटा बोला जाता है। अगला है देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये आपका एमपी होगा, मध्य प्रदेश, इसलिए मध्य प्रदेश को आपका टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे टाइगर स्टेट किससे कहा जाता है, तो बोलिएगा मध्य प्रदेश को। अगला है कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूल आपका कांग्रेस के प्रथम विदेशी यानी अंग्रेजी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ये कहाँ का अंग्रेज, ठीक अंग्रेज होगा। कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल बोलिएगा। वही पूछे कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, इसका प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद बनर्जी थे। अगला है कि आना सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा कराया जाता है, तो शाहजहां के द्वारा आना सिक्के का प्रचलन कराया जाता है। अगला है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब होती है, पानीपत की दूसरी लड़ाई आपका 15 नवंबर 1556 के बीच में होता है। ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ा जाता है जिसमें अकबर विजयी होता है। अगला है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति आपकी काइटिन की बनी होती है। अगला है अनुवांशिकता के पिता किसे कहा जाता है, अनुवांशिकता के पिता आपका जोहान मेंडल को बोला जाता है, इन्हें अनुवांशिकता पर रिसर्च करने के लिए मोटर के यूज किए थे। अगला है पक्षियों का विकास किससे हुआ, सरीसृपों से हुआ, ये याद रखिएगा पक्षियों का विकास किससे हुआ, तो बोलिएगा सरीसृपों से। अगला है खाना बनाते समय सर्वाधिक विटामिन नष्ट होता है, खाना बनाते समय सबसे ज़्यादा क्या चीज़ नष्ट होता है, वो आपका है विटामिन। चावल जब धोइएगा तो चावल धोने से आपका विटामिन सी, आपका बी और सी नष्ट होता है, क्योंकि बी और सी आपका पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है, फिर उस पानी को बाहर निकाल दीजिएगा तो विटामिन निकल जाता है। अगला है द्रव्यमान के आधार पर आवर्त सारणी किसने दिया, तो बोलिएगा मेंडलीफ ने। परमाणु संख्या के आधार पर किसने दिया, मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी मेरा भाई किसका है, तो आधुनिक आवर्त सारणी आपका मोसले का है जिन्होंने परमाणु संख्या के आधार पर दिया था। ये था एकदम VVI क्वेश्चन, बहुत अच्छे ढंग से बताए हैं। ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, आपको 30 यानी एक से पहले 10 क्लास देने वाले हैं VVI का, मैथ का जो फॉर्मूला बेस्ड मैराथन क्लास ला रहे हैं उसे भी जरूर देखना है। आज के क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्क्रीनशॉट चाहिएगा तो ले सकते हैं, लेकिन इसका PDF भी आपको अपना टेलीग्राम चैनल टॉपर्स एकेडमी बिहार